Hello and welcome back you again in our next video. Now in this video we will start question number 2 of exercise 3.6. Question number 2 is your word problem. We have to read the problem and we have to make a linear equation from the problem and then we have to solve it. Okay, so what is there? Formulate the given problem as a pair of equation. तो इसको equation के form में formulate करना है and hence find their solution. Then you have to find the solution. So what is given? Ritu can row downstream 20 km in 2 hours. So very first let us think upstream and downstream. मान लो देखो this is a river, ये नदी है, ठीक है? This is a river. अब नदी तो नीचे को ही बहेगी, it's okay. तो अब मान लो इसकी speed मान लो ये y है, okay? किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ रिवर, या कह सकते हैं स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है? इसकी धार जो होती है उसकी स्पीड स्ट्रीम की, तो स्ट्रीम की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर. एक बोट है, अब नाउ यू एज्यूम बोट की स्पीड, अगर मैं कहूँ x किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर, तो एक बार क्या होता है बोट नीचे की तरफ को आती है, ठीक है? सो बोट कम्स इन द सेम डायरेक्शन वेयर द स्टीम, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टीम, मतलब नीचे को बह रही है तो बोट भी नीचे को ही आएगी. तो सिंपल सी बात है, बोट की स्पीड तो बढ़ जाएगी ना, बिकॉज आधा तो ये अपनी स्पीड से जाएगी प्लस कुछ धक्का इसको ये वाटर में देगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी. तो इसकी अपनी स्पीड होगी, उसमें स्पीड इसकी भी ऐड हो जाएगी. तो अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, कितनी देर से नीचे आएगी? एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर से. दिस इज क्लियर. सेकेंड कंडीशन, सेम स्ट्रीम है, अब ये बोट है लेकिन ये अब नीचे की नीचे जगह ऊपर को जा रही है और स्ट्रीम जो है नीचे को बह रही है, ऊपर तो बह नहीं सकती. ओके, सो व्हाट विल डू, ये इसकी स्पीड वही मान लो एक्स किलोमीटर पर आ रहा है, इसकी वाई किलोमीटर पर आ रहा है, अब बोट को जाना है ऊपर को. अब एक बात बताओ, अगर पानी की स्पीड ज्यादा है और बोट की स्पीड कम है तो बोट तो बह के नीचे को आ जाएगी, ये ऊपर को जा पाएगी? नो. तो ऊपर को अगर बोट चल रही है कि इसका मतलब क्लियर है कि बोट की स्पीड पानी से ज्यादा है, तो इसका मतलब कि ये कुछ कैंसिल, तो इसकी बराबर स्पीड को तो कैंसिल आउट कर रही है, तो जितनी स्पीड बची उसकी स्पीड से जा रही है. इसका मतलब x में से y की स्पीड को माइनस कर दो, उतनी स्पीड से बोट धीरे धीरे ऊपर को जाएगी. सो किलोमीटर पर आवर, तो ये होता है अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम मीन्स अपस्ट्रीम जा रही है बोट और बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है. तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम शुड बी ऑलवेज एक्स प्लस वाई एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम ऑलवेज शुड बी इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई. ये क्लियर है? पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए और यही चीज क्लियर होनी चाहिए, नथिंग एल्स, ठीक है? अब देखो व्हाट इज अवर क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन इज रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, नीचे को रो कर रही है मतलब बोट को रो कर रही है. तो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, नीचे को आ रही है 20 किलोमीटर, तो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रही है 20 किलोमीटर, ठीक है? इन टू आवर्स, टाइम दे रखा है 2 आवर्स. सो 2 आवर्स में 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ रही है. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन एंड अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम में भी देखिए इसकी स्पीड दूसरी बार अप स्ट्रीम में जा रही है 4 किलोमीटर. अब यहाँ पर तो नीचे 20 किलोमीटर आ रही है तो ऊपर को कितना जा रही है? 4 किलोमीटर जा रही है, ठीक है? 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, सिंपल सी बात है, इन 2 आवर्स तो ऊपर को तो कमी जाएगी क्योंकि उसकी स्पीड भी तो होगी कुछ स्ट्रीम की, तो 4 किलोमीटर जा रही है, नीचे 20 किलोमीटर आ जा रही है इन 2 आवर्स. ओके, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर मीन्स जब पानी के शांत हो उसमें उसकी स्पीड कितनी होगी, एंड इन द करंट स्पीड, स्पीड इन द करंट, करंट मीन्स धारा में, ठीक है? तो पहले हम कह देंगे लेट हर स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड, हर स्पीड इन करेंट वाटर, इन करेंट वाटर दैट मीन्स y किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अब सिंपल सा है कि अब यहाँ पर स्पीड जब वो नीचे को आ रही है तो यहाँ पर स्पीड निकालो, ठीक है? तो व्हाट इज द स्पीड,
हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और वो तो बात की बात है, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, मान लो स्पीड बोट की एक्स है और उसकी करंट की पानी की वाई है, तो नीचे को आ रही है तो इसकी स्पीड हो गई एक्स प्लस वाई, ठीक है, और बोट की स्पीड हो गई एक्स प्लस वाई, और ऊपर को जा रही है तो स्पीड हो जाएगी एक्स माइनस वाई, हो जाएगी। तो सेम वे तो देयरफॉर व्हाट इज गिवन टू यू, ये स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस, ये टाइम। अब देखो दोनों तरफ टाइम सेम दिया है, तो हम टाइम के फॉर्मूले से लगाते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो वी हैव टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये फर्स्ट टाइम कितना है 2, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है 20 किलोमीटर, अपॉन स्पीड कितनी है एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा इन डाउन स्ट्रीम में, ओके, ये इक्वेशन नंबर 1। और इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक्स प्लस वाई इधर ले आओ, सो 2x, 2 को इधर लाएंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, सो कैंसिल आउट करो 10, ये वहाँ 1 बचा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा हमने क्या करना है, इन डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में करो, इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में टाइम निकालो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम कितना दे रखा है 2 आवर्स, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है 4 किलोमीटर, स्पीड अप स्ट्रीम में जा रही है तो माइनस हो जाएगी, इसको 2 वन 2, 2 2 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बिकम एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ओके, नॉट इट। सो नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस, लाइक दिस यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस 2 इक्वेशन, दैट विल बी योर स्पीड्स। सो नाउ वॉट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड x minus y is equals to 2. Cancel out 2x is equals to 12, which shows x is equals to 6. And substituting the value in 1, so 6 plus y is equals to 10, y is equals to 4. So therefore, speed, ye x hai, speed in still water, of boat in still water, kitni ho jayegi? 6 km per hour. And in current water, kitni ho jayegi? In current, kitni ho jayegi? 4 km. तो नीचे को आ रही तो 6 किलोमीटर पर आ, ऊपर हो जा रही तो 4 किलोमीटर पर आ, ओके। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ कम टू योर सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड पार्ट व्हाट इज गिवन टू यू, सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, सी व्हाट इज गिवन, 2 वुमेन एंड 5 मेन, 2 वुमेन एंड 5 men together can finish a embroidery work in 4 days. 4 days में ही पूरा करते हैं मिलके. While 3 women, W for women, and 6 men can finish the work in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone. 1 woman. Time taken, जो फाइंड करना है हाँ वो लिख रही हूँ, टाइम टेकन बाय 1 वुमन इज इक्वल टू एक्स एंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन, तो और 1 मैन ने कितना टाइम लिया, एंड टाइम लेट टेकन बाय 1 मैन इज इक्वल टू वाई, ओके वाई डेज। सो ये एक्स डेज में करा, ये वाई डेज में करा, ओके, सो एक्स डेज में एंड वाई डेज, टाइम हो रहा है तो डेज है, तो हमें क्या दिया है कि कोई काम है एम्ब्रॉयडरी का, उसको 2 वुमेन्स और 5 मेन अगर करते हैं साथ मिलके तो 4 दिन में ख़त्म करते हैं, ओके 4 डेज में। सेम वे अगर 3 वुमेन है और 6 मेन है तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 3 डेज में ख़त्म करते हैं, तो हमें क्या निकालना है, अगर एक ही वुमेन हो तो पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करेगी, ठीक है, वॉट इज़ द टाइम, टाइम मीन्स कितने दिन में। सेम वे अगर एक ही आदमी हो तो कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू कम्प्लीट द वर्क इज इक्वल टू एक्स डेज एंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन टू कम्प्लीट द वर्क इज इक्वल टू वाई डेज, ठीक है, तो हमें ये एक्स और वाई निकालने हैं, वो एक आदमी और एक औरत करेगी, ठीक है। सो इसके लिए क्या करते हैं, जब भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम उनका एक दिन का काम निकाल लेते हैं, ठीक है, एक दिन का काम। सो हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए देखेंगे, लेट पहले एक वुमन के लिए, वुमन के लिए लेते हैं, ठीक है, 1 वुमेन एक्स डे वर्क,
एक औरत का एक्स रे का काम कितना है, वन वन, पूरा एक काम वो एक्स रे में करती है। तो देयर फोर हमने ये तो कहा है, लेट इन एक्स डेज वुमेन्स डूज वन वर्क, वन मीन्स पूरा कंप्लीट वर्क, तो कंप्लीट को वन मानते हैं। लेट वन वुमेन इन एक्स डेज कंप्लीट वन वर्क, सो देयर फोर वन वुमेन इन वन डे कंप्लीट इज इक्वल्स टू एक्स की बात वन है तो वन अपॉन एक्स आ जाएगा डिनोमिनेटर में। देयर फोर टू वुमेन्स कितने दिन में करेंगे, टू वुमेन्स वन डे वर्क इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दो टू अपॉन एक्स। सेम वे मैन का भी निकाल लेते हैं, वन मैन इन वाई डेज कंप्लीट कितना वर्क करता है, एक वर्क। तो देयर फोर फाइव मैन कितना कंप्लीट करेंगे, फाइव मैन इन वन डे, सॉरी वन मैन इन वन डे कंप्लीट वन अपॉन वाई वर्क। देयर फोर फाइव मैन कंप्लीट वन डे वर्क इज इक्वल्स टू फाइव अपॉन वाई। ठीक है, ऐसे ही थ्री वोमेन का निकाल लेते हैं। सेम वे वन वोमेन एक्स डेज में एक काम कर रही है, तो वन वोमेन एक दिन में वन अपॉन एक्स काम करेगी, तो टू वोमेन्स एक दिन में टू अपॉन एक्स काम करेंगी। सेम वे थ्री वोमेन्स एक दिन में कितना काम करेंगी, एक वोमेन इतना कर रही है तो थ्री वोमेन थ्री अपॉन एक्स करेंगी, एक वोमेन का वन डे का काम इतना तो थ्री वोमेन का वन डे का काम थ्री इंटू दिस। सेम वे यहाँ सिक्स मैन के लिए भी निकाल लेते हैं, वन मैन का एक दिन का काम वन अपॉन वाई, तो सिक्स मैन का वन डे का वर्क कितना हो जाएगा, सिक्स अपॉन। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर टू वुमेन और थ्री वुमेन केयर एक दिन का काम निकल गया। सेम वे फाइव मैन और सिक्स मैन का वन डे का काम निकल गया। ठीक है, आप इसको हम रखेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, पहली इक्वेशन है कि टू वुमेन्स और फाइव वर्क एक को एक काम को चार दिन करते हैं, तो एक दिन का काम निकालते हैं, तो टू वुमेन्स का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, टू अपॉन एक्स प्लस फाइव मैन का एक दिन का काम एक दिन के लिए कर रहे हैं, फाइव मैन का एक दिन का काम फाइव अपॉन वाई, तो यहाँ भी एक दिन कर लेते हैं वन अपॉन फोर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर वन। सेम वे थ्री वुमेन का एक दिन का काम थ्री अपॉन एक्स, एक दिन का काम हाँ। सेम वे सिक्स मैन का एक दिन का काम सिक्स अपॉन वाई, तो इसको भी वन डे कर लेते हैं वन अपॉन थ्री, रेसिप्रोकल हो जाएगा इक्वेशन नंबर टू। तो ये बनी हमारी इक्वेशंस फॉर द सेकेंड पार्ट। अब इसको सॉल्व करना है तो वी हैव टू रिड्यूस द इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस कैसे करेंगे, वन अपॉन एक्स, लेट वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू यू एंड वन अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वी। हमारी इक्वेशन वन क्या हो जाएगी, टू यू प्लस फाइव वी इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर, फोर से मल्टीप्लाई कर लो इसे, सो फोर टू जा एट एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई एट यू प्लस फाइव फोर जा ट्वेंटी वी इज इक्वल्स टू वन। इक्वेशन नंबर वन था तो वन डैश हो गई। ठीक है, सेम वे थ्री यू प्लस सिक्स वी इज इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो थ्री को यहाँ से, थ्री थ्री जा नाइन यू प्लस सिक्स थ्री जा एटीन यू वी इज इक्वल्स टू वन। इक्वेशन नंबर टू डैश। ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसा सॉल्व करेंगे, देखो एट नाइन, या तो इसे नाइन से मल्टीप्लाई करो और इसको एट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या फिर इसमें इजी मेथड हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ए वन क्या हो गया एट, बी वन किसी भी मेथड से करो आंसर सेम निकलेगा, बी वन इज इक्वल्स टू ट्वेंटी एंड सी वन इज इक्वल्स टू वन को वहां लेके आओ माइनस वन। सेम वे ए टू इज इक्वल्स टू नाइन, बी टू इज इक्वल्स टू एटीन एंड सी टू इज इक्वल्स टू माइनस वन। ओके, सो ये हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी विल पुट। सो सबसे पहले एक्स अपॉन क्या होता है, लेट अस राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल्स टू वाई अपॉन C1 A2 minus C2 A1 equals to 1 upon A1 B2 minus A2 B1. Okay, so X upon B1, 20 into C2 minus 1 minus B2, 18 into C1 minus 1 equals to Y upon C1 minus 1
ए टू एच माइनस सी टू माइनस वन ए वन एच सी वन ए टू, ए टू इज नाइन इक्वल्स टू वन अपॉन ए वन, वॉट इज ए वन एच बी टू एटीन माइनस ए टू नाइन बी वन ट्वेंटी. नाउ सॉल्व इट, एक्स अपॉन माइनस ट्वेंटी माइनस माइनस प्लस एटीन इज इक्वल्स टू वाई अपॉन माइनस नाइन प्लस एट इक्वल्स टू वन अपॉन, ये हो जाएगा एटीन, एट ज़ा करो 144 माइनस 180. ओके सो आई एम इरेजिंग अप साइड, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू v. सो रिमेंबर दिस, 1 अपॉन x एंड 1 अपॉन y. सो वी तो देयरफॉर वी गॉट x अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन, दिस इज 10 माइनस 4 6 एम सेवन थ्री 36 बट माइनस का, ठीक है. अब इसको एक बार इसको इसके साथ, तो x अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस 36 इक्वेट कर दो, माइनस टू माइनस कैंसिल, सो x इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन माइनस 36 माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 18. तो x इज इक्वल टू वन अपॉन 18, तो ये तो हमारी x की वैल्यू निकली, ठीक है. अब हमारी क्या निकालनी है, y की वैल्यूज निकालनी है. So, this is not x, y, this is u. Because we have substituted in this last equation. So, this will be u and v, okay? So, by mistake I have done u, v, because I have put the formula, no? So, you have put in that one. U, v, u, and this is a value of u now, okay? Same way, we will find the value of v. We will equate these two now. So, and I'm doing, you do it downward, so v is equals to 1 upon 36, okay. So, we got 1 upon u and 1 v is equals to this. So, now in the starting, what value we have substituted? U is equals to 1 upon x. So, u is equals to 1 upon x is equals to 1 upon 18. Therefore, x is equals to 18. What was the x? Number of days in which the one woman finished the work. x तो ये डेज में आएगा, ठीक है. सेम वे v is equals to 1 upon 36, so v is equals to 1 upon 36, so 1 upon y is equals to 36, y is equals to 36 days. So therefore women finish our work in 18 days and men finish our work in 36 days, okay. So this is your which part, second part. Now come to our third. Third part is Ruhi travels 300 kilometer to her home. यहाँ से जो start कर रही है और अपने घर को जा रही है, कितना? 300 kilometer. ठीक है, तो Ruhi travels 300 kilometer partially by train and partially by bus. आधा वो train से जा रही है, आधा वो bus से जा रही है. She takes 4 hours. अगर उसको total time लगता है 4 घंटे. ठीक है, पहली कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन, इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस. तो पहला तो 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही है, ठीक है. अब रिमेनिंग कितना बचा, ट्रेन रेट में से 60 माइनस कर दो, 240 किलोमीटर बचा, ये जा रही है बस से, ठीक है. तो 60 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी बस से, फर्स्ट कंडीशन. तो ट्रेवल काम को लेती है 4 आवर्स. If she travels 100 kilometer by trains, first condition, second condition क्या दी है? अगर वो 100 kilometer, यहाँ से 100 kilometer यहाँ तक मान लो 100 kilometer जा रही है. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, और remaining कितना बचा? 200 kilometer, ये जा रही है बस से, ठीक है. She takes 10 minute longer, तो 10 minute longer means ज़्यादा ले रही है. तो पहले 4 hours तो ले ही रही थी, अब 10 minutes ज़्यादा ले रही है, 4 hours plus 10 minutes. ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ बस सेपरेटली. जो फाइंड करना है वो हम एज्यूम कर लेते हैं. लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स एंड द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल्स टू
वाई। सो वी आर गिवेन टोटल टाइम इज टी। सो टोटल टाइम यहां से निकाल लेते दोनों का, जितना टाइम ये ले रहा है जितना टाइम बस ले रही है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल 4 आवर्स आना चाहिए। सेम इन सेकेंड कंडीशन में जितना टाइम 100 किलोमीटर जाने में ले रहा है, जितना टाइम 200 किलोमीटर जाने में बस ले रही है, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को मिला के क्या आना चाहिए, 4 आवर्स 10 मिनट्स। तो पहले तो ये 4 आवर्स 10 मिनट्स है, इसको पूरा आवर्स में चेंज कर लो। 4 प्लस इसको आवर्स में चेंज करोगे तो अपॉन 60, ठीक है। तो 6 4 24 + 1 = 25 / 6 आवर्स, ठीक है। तो हमने पहले इसको इतना ले लिया, तो ये 4 आवर्स ले लिया, तो 25 / 6 आवर्स ले रहा है। तो नाउ इन द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, लेट द टाइम टेकन बाय ट्रेन इज दिस T1 and T2। ऐसे ही सेम यहाँ पर T1 ये है, T2 टाइम ये ले लिया। तो T = T1 + T2। फर्स्ट कंडीशन में टोटल टाइम है 4 आवर्स, टाइम टेकन बाय ट्रेन T1 कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 60 अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ से कर देंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलो, ऑलरेडी वी हैव अज्यूम्ड लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स, सो अपॉन एक्स, प्लस लेट द स्पीड ऑफ बस, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज वाई, कितना आ रहा, 4, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कम इन सेकेंड कंडीशन नाउ। सेकेंड कंडीशन में क्या है, व्हाट इज गिवन इन सेकेंड कंडीशन, 100 किलोमीटर T1, तो टोटल टाइम कितना है, 25 / 6 = T1 + T2 होना चाहिए, मतलब ट्रेन और बस का मिला के। सो 25 / 6 आवर ले रहा है पहले बाय ट्रेन, तो कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन इज x, प्लस बचा 200 बाय बस बाय y, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस मच इज क्लियर। So what is given to you? You are given the total distance that Ruhi travels is 300 km. So first condition is given, if she travels 60 km by train, then remaining by bus. So 60 और remaining क्या बचा, 240. तो ये कितने जा रहे, तो 4 hours ले रही है. Same way, अगर 100 km train से जा रही है, तो remaining by bus 200, अगर bus से जा रही है, तो total time ले रही है 10 minutes longer. 4 hours 10 minutes. तो हमने इसको hours में change कर लिया. तो अब क्या है, टोटल टाइम देखो, टोटल टाइम कैसे मिलेगा हमें, जब हम इन दोनों टाइम को ऐड करेंगे ना, यहाँ से जाने में टाइम कितना लगा, प्लस यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा, टोटल 4 आवर्स लगे। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 60 अपॉन स्पीड हमने अज्यूम करी है ट्रेन की x, 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन, सॉरी दिस इज 240 ओके, प्लस सेकेंड की 240 अपॉन y स्पीड। सेम वे सेकेंड कंडीशन में भी दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो हमें टाइम, टोटल टाइम 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई। तो वी गॉट दीज टू इक्वेशन, अगेन वी हैव टू रिड्यूस द इक्वेशन इन लोएस्ट टर्म, ओके। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस फर्स्ट इक्वेशन, लेट, फिर वही चीज, लेट 1 upon x इज इक्वल टू यू एंड 1 upon y इज इक्वल टू बी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 60u प्लस 240v इज इक्वल्स टू 4 आवर्स। सेम वे सेकेंड इक्वेशन, लेट मी इक्वेशन 1 और सेकेंड क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन है 25.6, 100u प्लस 200v इज इक्वल्स टू 25.6। अब 6 को व्हाट विल डू, 6 को इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, मैं तो इसे 25 से डिवाइड कर देती हूँ पूरा दोनों साइड, ठीक है। 25 4 are 100 + 25 8 are 1 upon 6 6 square 6 4 are 24 u + 48 v is equals to 1 equation number 2 dash. So ye 1 dash ho gayi ye bhi 2 dash ho gayi ye bhi already use ho sakti hai we can divide it by 2 bhi kar sakte hai theek hai. So let us take these two equation. I am doing, see what we have substituted, u is equals to 1 upon x. So what I am taking, I am again doing by cross multiplication method. Okay? So u upon b1 is 240, b1 c2 minus 1 minus b2
c1 minus 4 is equals to v upon, you write first a1, what is a1, b1, c1, write it first, then you do it. Okay, v upon c1 a2 minus 4 into a2 24 minus c2 minus 1 into a1 60 is equals to 1 upon a1 b2 minus a2 b1 240. Okay. Now you solve this. So u upon minus 240 plus 32, 3, 4, 16, 17, 18, 19 equals to v upon minus 96 plus 60 equals to 1 upon 6 are 48, carry over 4, 6 4s are 24, 25 is 28. Okay, minus this is 240 into 24 we have to do. So we'll do 400, 4 plus 16, 9, 200, 4 plus 8, 2 plus 4, 6, 8 plus 16, 17 plus 7, 5, 7, 6, 0. Okay. So now what we'll do? We have to subtract this. What will the next condition? U is equals to minus times 10 minus 2, 8. Yeah, which of 3, 13 minus 9, 4. Equals to v upon, this will come negative 6, 7, 8, 9, 36 is equals to, this will also come negative 0, 8, this is 6, carry over 1, then 8, this is 4, 2. ठीक है, तो इन दोनों को equate करेंगे, इन दोनों को equate करेंगे, तो u is equals to minus 48 upon 2, 8, 8, 0. So it will come 48, 6 are 28, 60 times. So u is equals to 1 upon 60. Now v bhi nikal lo, in dono pe equate karo. V is equals to 36 upon 2880. To ye aa jayega 6 sange padho 6 8 ja 48 8 times jayega. Theek hai, तो ये आ जाएगा v is equals to 1 upon 80. ठीक है, तो these are our values come. Now what we'll do, we have substituted the u is equals to 1 upon x. So in the place of u, 1 upon x is equals to 1 upon 60. So which shows x is equals to 60 kilometer. What we have to find? We have to find the speed. So kilometer per hour, this is the speed of train. And same way we got 80, so v is equals to 1 upon y is equals to 1 upon 80, so which shows y is equals to 80 kilometer per hour. So therefore the speed of bus is equals to 80 kilometer per hour and the speed of train is equals to 60 kilometer per hour. Okay, so till here our exercise is completed. Now do the exercise very carefully and do practice it 2-3 times. It will help you only because this is only NCERT and you have to do 2-3 times. If you'll do it, you will be only beneficial for it. Thank you very much and don't leave it.